हाय किड्स, आज देखिए हमने जो हमने एक्सरसाइज आपको पहले कराई थी उन्हीं में क्या है, कुछ और हमको उन्होंने यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। देखो वो करनी हमें। देखो दिस इज द वन ऑफ द साइड्स ऑफ द सेप, कंप्लीट द सेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए एक जो साइड थी वो उन्होंने दी हुई, देखिए दूसरी भी हमने ड्रॉ करी हुई है। तो उन्होंने बुक में क्या है, आपकी बुक में क्या है, ये एक ही साइड उन्होंने दी हुई है। अब देखो दिस इज द वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ सेप, ये कि कोई एक सेप है जिसका एक साइड है, सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने इस जो ये सेप है इसको हमने इस हिसाब से ड्रॉ करना है कि इसका एरिया क्या बन जाए, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाए। अब देखिए दूसरी साइड, इसी साइड का यूज़ कर लेते हैं, तो हो गई। और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, मिला देते हैं। अब देखो कितना हो गया, ये 1 2, इन दोनों को मिला के 3, और इसको मिला के 4, तो टोटल कितना हो गया, ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? टू साइड्स ऑफ ए सेप आर ड्रॉन हेयर। अब देखो कोई एक सेप है जिसका क्या बन रखे हैं, दो साइड यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। कंप्लीट द सेप बाय ड्रॉइंग टू मोर साइड सो दैट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब देखिए इन दोनों का एरिया कितना है पहले, अगर हम इसको हमको ब्लॉक करना पड़े तो इसका और इसका एरिया टोटल अभी तक कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हाफ है और इसका हाफ है, दोनों हाफ हाफ मिला के 1 हो गया। अब देखो हमको एक हमको अब एक दो ऐसी लाइन्स ड्रॉ करनी है जिससे कि इसका आ रहा है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम हो। तो हम देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं और इसको ऐसे मर्ज कर लेते हैं। अब देखिए ना, ये इसके साथ मिलकर पूरा बॉक्स नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हमको अगर हम माना इसको यहाँ खींच लेते और ये पूरा बन जाता तो ये 2 हो जाता। ठीक है, माना देखिए हम पे ये दो लाइंस होती। ठीक है, माना हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते तो ये और ये मिलकर पूरा एक बॉक्स बन जाता, तो ये 2 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाता। लेकिन हमको 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का नहीं बनाना, हमने 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम का बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्लियर है? ओके, कुछ और है हमारे पास क्वेश्चन, उनको भी कर लेते हैं। हेयर इज रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का हम पे एक रेक्टेंगल है। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इन टू इक्वल ट्रायंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। आप देखिए ठीक बीचों बीच हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल का 20 है तो एक ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का 10 हो जाएगा, सिंपल है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। अब देखिए वो बोले कि ठीक, आप क्या बोले कि स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो यहाँ बीचों बीच खींच दो आप एक लाइन। अब एक ऊपर का हो गया और एक नीचे का हो गया। अब देखिए ऊपर का ये हो जाएगा, ये वाला बॉक्स, और एक बन गया हमारे पास नीचे वाला बॉक्स। तो ऊपर वाला जो बॉक्स हो जाएगा इसका भी हो जाएगा 10, और जो नीचे वाला भी जो बॉक्स बन गया उसका भी कितना हो गया, 10। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन खींचनी है इसमें। ठीक है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। दो स्ट्रेट लाइन खींचनी है देखिए हमको इसमें। ठीक है, चलिए ये करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम जैसे ये फिगर है ना, ये वाला फिगर हम इस ये जो पेपर है इस पेपर पे बना लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सेम बना लेते हैं। देखिए कितने हैं, 10 थे ना ये, 3 3 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? अब देखिए अब वो क्या बोल रहे हैं कि ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। अब देखिए आप करोगे दो स्ट्रेट लाइंस खींच दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसमें खींच दिया 5, वन स्ट्रेट लाइन हो गई और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई। अब देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ही रेक्टेंगल हो गया। देखिए ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए एक तो हम पे एक ट्रायंगल, एक तो हम पे रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया हम पे ए बी सी और डी, एक ट्राइंगल आ गया हम पे ई एफ ए और एक ट्राइंगल आ गया हम पे एफ ए बी। क्लियर हो गया? अब देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए जो ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाफ है बिल्कुल एग्जैक्टली है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया हो गया कितना, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ई एफ ए का कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ है ये, 5, और ये भी 5। क्लियर हो गया? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और एरिया ऑफ द ईच ऑफ द रेक्टेंगल ट्रायंगल, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको जो स्ट्रेट लाइंस है तो ऐसे नहीं खींचनी है बल्कि ऐसे खींचनी है।
1 2, और भी कोई तरीका हो सकता है, आप इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनने क्या चाहिए, दो इक्वल ट्रायंगल्स बननी चाहिए और एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, ओके।